नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी GNU के काउंसलिंग की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रजिस्ट्रेशन करना बाकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी अगला कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना होगा GNU में एडमिशन प्राप्त करने के लिए, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप क्या होगा। इसलिए आज के इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, पूरे आपके एडमिशन की प्रक्रिया के लास्ट तक मैं आपको पूरा एक डेमो बना करके आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको लगातार CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है CUET PG स्टडी कैपिटल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी हम आपको उस चैनल पर दे रहे हैं, कुछ इस चैनल पर। इन दोनों चैनल पर रहेंगे तो इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी रिसर्च करने की, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी CUET PG के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। सीधा चलते हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये GNU के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में आपको स्पष्ट तौर पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था उसी समय ये नोटिस आया था, मैंने आपको दिखाया था। अब इसी नोटिस का भूमिका बनाते हुए मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, यानी कब से कब तक अप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, 27 जुलाई से 10 अगस्त, ठीक। 10 अगस्त 11:50 रात तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। पहला काम आपने क्या कर लिया कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब सर रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया, इसके बाद हम क्या करें, कैसे जानेंगे कि कब हमारा एडमिशन होगा, क्या होगा और कहां पे ये पता चलेगा? तो इसके लिए आपका एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, ठीक। फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन वो होगा, टेंटेटिव डेट है, ये फिक्स डेट नहीं है, लगभग माना जा रहा है, जो भी अपडेट नहीं आएगी हम बताते रहेंगे। 17 अगस्त को माना जा रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, पहला मेरिट लिस्ट। पहली मेरिट लिस्ट आने के बाद उसके बाद आपको मौका कब दिया जाएगा कि आप कैसे उसमें इनरोल होंगे, पहली मेरिट लिस्ट आएगी कहाँ? तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी, उसकी अपडेट हम आपको करेंगे। जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, उसी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा। अगला है आपका प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विद ब्लॉकिंग ऑफ सीट ऑफ फर्स्ट लिस्ट, यानी आप सीट को ब्लॉक कैसे कर सकेंगे, यानी हाँ मुझे मौका मिल गया, मैं मेरिट लिस्ट में आ गया, तो कब से कब तक? तो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक टेंटेटिव रखा गया है कि आपको मौका दिया जाएगा कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, फीस पेमेंट करें और एक सीट अपनी फिक्स करें GNU में। यानी हमें सीट कब मिल जाएगी, तो सीट हमें 21 तक कंफर्म मिल जाएगी, पहले लिस्ट की, फर्स्ट लिस्ट की जो सीट है, फर्स्ट लिस्ट उसकी सीट हमें 21 अगस्त तक हमें मिल जाएगी। यानी जिनका पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा, लगभग मान के चलिए कि 21 अगस्त तक आप एडमिशन पा जाएंगे GNU में। अब एडमिशन पाने के बाद आपका सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। सब कुछ करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 महीने या 15 दिन का समय देगी GNU। आपको GNU में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और संभवतः उसी 15 दिन बाद आपकी क्लासेस भी वहां पर शुरू हो जाएंगी। ठीक यही प्रोसेस फॉलो करते हुए पहले लिस्ट में जो सीटें बच जाएंगी, उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगा, पब्लिकेशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट एंड सुपरमेसी ऑफ फॉर एडमिशन, वो आएगा 25 अगस्त को। ठीक उसी प्रकार से जो उसके पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पर था 17 से 21 अगस्त, वो हो जाएगा 25 से 28 अगस्त सेकेंड लिस्ट के लिए। ठीक ये हो गया सेकेंड लिस्ट। अब इसके बाद देख लेते हैं कि क्या और भी लिस्ट की बात इसमें की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन की बात भी स्पष्ट कर दी गई, जैसा मैंने कहा कि लगभग आपको 15 दिन का समय लगभग मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो 5 से लेकर के 13 अगस्त, 5, 6, 8, 11, 12, 13 सेप्टेम्बर, ये सितंबर के पहले और दूसरे वीक में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स का। यानी आप जो डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं वो आपको GNU में जाकर के दिखाना होगा। ठीक उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट एक बार फिर से आपका रिलीज होगा, वो रिलीज होगा 19 सितंबर को। यानी ये लिस्ट कब आएगी आपकी, 19 सितंबर को फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद एक और लिस्ट आएगी, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में जितने भी लोग छटेंगे उसके बाद वो लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। इस तरीके का आपको प्रोसेस फॉलो करते हुए फिर हम लोग नीचे आते हैं, तो जो कुछ और सीटें बच जाएंगी, यानी फाइनल लिस्ट जब आपकी आएगी उसके बाद फिर कुछ और सीट बचेगी, तो उसके लिए आपके लिए टेंटेटिव डेट रखा गया 19-20 सितंबर में। आपको फिर से पेमेंट करने का मौका मिलेगा, जो नीचे से स्टूडेंट्स को उठाया जाएगा, फिर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन 25 से 26 सितंबर और डेडलाइन फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन इज 29 सितंबर। यानी 29 सितंबर तक आपके GNU के काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जानी है GNU PG की, और मान के चलिए कि उसी के जस्ट बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। संभवतः क्लासेस पहले भी शुरू हो सकती हैं, लेकिन अभी GNU ने इस पर कोई नोटिफिकेशन अलग से दिया नहीं है।
तो ये पूरी सूचना रही कि क्या करना है हमें रजिस्ट्रेशन के बाद। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यही सब काम करना है, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद वेट करिएगा, जो डेट मैंने बताया पहले लिस्ट का इंतजार करिएगा। पहला लिस्ट आते ही बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी। अभी के लिए बस इतना ही समझिए, आगे के लिए जब लिस्ट आएगी तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट करने के लिए हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैंने कहा दूसरा चैनल भी हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हम कट ऑफ की लिस्ट अलग अलग जो भी राउंड आता रहेगा हम बताते रहेंगे। इसलिए दोनों चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बाकी निश्चिंत रहिए, आराम से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।